खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पीलीभीत में थाने के अंदर छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई, अब पुलिस कर रही है थाने के अंदर पिटाई की जांच। बरेली की पॉश कॉलोनी में पति पत्नी की हत्या, जिस महिला की हत्या हुई वो सेंट्रल बैंक में काम करती थी और 31 जुलाई को ही रिटायर होने वाली थी। बरेली जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप, धमकी देने वाले ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर बताया, एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा। कन्नौज में पुलिस के साथ मेडिकल कराने अस्पताल आए युवक पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पिटाई करने वाले आरोपियों की तलाश। वाराणसी में कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, 22 जुलाई की देर रात हुई थी पाइप व्यापारी की गोली मारकर हत्या। कानपुर में लूट के इरादे से कारोबारी पर जानलेवा हमला, बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरी पूरा चौकी में हुई वारदात। इटावा में बैडमिंटन की खिलाड़ी सलोनी शर्मा की खुदकुशी के केस में कार्रवाई, कोच की पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई, हत्या के साथ ही रेप की आशंका भी जताई जा रही है। यूपी के अमरोहा में पकड़े गए छात्रा को अगवा करने वाले बदमाश, कार से अगवा कर लड़की को ले जा रहे थे बदमाश। मथुरा में मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों से 6 सोने की चेन और हथियार भी बरामद। जयपुर में मामूली विवाद में युवक की हत्या, मानसरोवर इलाके में सिगरेट खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के नालंदा में नवविवाहित महिला के साथ गैंगरेप, हैवानों ने वारदात का वीडियो भी किया वायरल, किसी की गिरफ्तारी नहीं। गांधीनगर में एक आईएएस अधिकारी ने महिला पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप, महिला ने भी अधिकारी के खिलाफ कर रखी है दिल्ली में चीटिंग की शिकायत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छेड़छाड़ के शक में की गई 3 युवकों की पिटाई, युवकों ने किया छेड़खानी के आरोपों से इनकार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में छात्रा से गैंगरेप, हिरासत में लिया गया एक आरोपी। एमपी के डिंडौरी में खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा एक परिवार, सरकारी रिकॉर्ड में परिवार के 3 लोगों को मरा हुआ बता दिया गया। हरियाणा के सिरसा में अनाज मंडी, चोरों ने डाला डाका, गाड़ी में अनाज भरकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के भीलवाड़ा में बदमाशों ने एटीएम गार्ड को बंधक बनाया और फिर एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए, एटीएम में 20 लाख रुपए थे। बिहार में सुपौल के राघोपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, हाथ पैर बांधकर युवक की हुई बेरहमी से पिटाई। महाराष्ट्र के पुणे में कपड़े की दुकान से चोरी करती 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है महिलाओं की तलाश। कई राज्यों में डाका डालने वाले एक गैंग को हैदराबाद पुलिस ने पकड़ा, 2,80,00,000 कैश, सोना और एक गाड़ी बरामद। खबर रोकने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर को रिश्वत की पेशकश करने वाले बेनकाब, एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य को बिहार में एक रिपोर्ट तैयार करने के दौरान धमकी दी गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने पश्चिमी चंपारण की एक शुगर मिल के जहरीले पानी से बर्बाद हुई फसल का खुलासा अपनी रिपोर्ट में किया था। लोकसभा में आज 3 तलाक विधेयक पर चर्चा और बिल के पास होने की संभावना, चर्चा दोपहर 12:30 बजे शुरू होने की संभावना, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। राज्यसभा में आज सूचना का अधिकार संशोधन बिल पेश किया जाएगा, सूचना का अधिकार बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। संसद सत्र की अवधि बढ़ाने का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है, सत्र की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ाए जाने की चर्चा, कल सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके संकेत दिए। आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने कल यूएपीए संशोधन बिल को लोकसभा में पास करा लिया है, अब सबकी निगाहें राज्यसभा पर। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए आज फिर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगी, यह बैठक दोपहर 1 बजे के करीब होगी। देश के 49 नामी लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी,
कहा राम का नाम लेकर डराया जा रहा है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कलाकारों को प्रधानमंत्री को खत लिखने का पूरा अधिकार, लेकिन क्या मोदी सरकार के खिलाफ खत लिखने वालों ने कभी बंगाल या केरल के मुख्यमंत्रियों को ऐसा खत लिखा। जम्मू कश्मीर के डोडा में लश्करे तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, जंगल से पकड़े गए आतंकी के पास से हथियार भी मिले। 23 साल बाद हुई धमाके के आरोप में गिरफ्तार दो लोगों की रिहाई, 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर में हुए धमाके के आरोप में हुई थी कश्मीर के निसार और लतीफ की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, महाप्रसाद में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते थे आईएस के आतंकी। जनवरी में आतंकी संगठन आईएस से जुड़े 10 संदिग्ध आतंकी हुए थे गिरफ्तार, आतंकियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट से यह खुलासा हुआ। मुंबई के पास मुंब्रा में मंदिर में भक्तों को मारने की साजिश थी, भगवत गीता सत्संग के दौरान महाप्रसाद में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते थे आतंकी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बीजेपी में लगाई सेंध, बीजेपी के दो विधायकों ने कमलनाथ के पक्ष में वोट डाला, विधानसभा में दंड विधि बिल पर वोटिंग हो रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राहत, हंगामे के बाद कमलनाथ सरकार ने बिल के बहाने बहुमत साबित किया। कल मध्य प्रदेश में कुल 122 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिसमें बीजेपी के दो विधायक शामिल हैं। 230 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 116 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, येदियुरप्पा ने कहा कि वो दिल्ली से निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व दावा पेश करने से पहले कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहा है। कर्नाटक में बीएसपी के निष्कासित विधायक एन रमेश ने कहा कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें मायावती की तरफ से कोई साफ संदेश नहीं मिला था। कर्नाटक में बहुमत परीक्षण की मांग करने वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट से औपचारिक रूप से वापस ली जाएगी। याचिका दाखिल करने वाले विधायक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो जाने के चलते अब याचिका को वापस लेना चाहते हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के घर पर होगा। हैदराबाद से एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मुसलमानों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, 27 किसानों ने आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज कराया, ईडी ने रामपुर के डीएम से जानकारी मांगी। कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष, राहुल गांधी के विदेश से लौटते ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सभी पूर्व पीएम के लिए म्यूजियम बनाएगी, उनके मुताबिक किसी भी पीएम के काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अभी से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा ठोक दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना उनके प्राथमिक मुद्दों में से एक है, जिस पर अब केंद्र और दिल्ली सरकार में रजामंदी हो चुकी है। दिल्ली में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। यूपी के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान बाइक रोकने से भड़क गए नेताजी, पुलिस को दी गालियां, पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, बुधवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई थी। दिल्ली में गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई दिन बाद हुई तेज बारिश से तापमान गिरा। उधर मुंबई में आज भी बारिश की संभावना है, कल हुई बारिश की वजह से नाला सोपारा समेत कई इलाकों में पानी भर गया था। महाराष्ट्र की भिवंडी में सामने आई प्रशासन की लापरवाही, बारिश के बाद शहर में 4 फीट तक भरा पानी। पश्चिमी चंपारण में नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति, नदी में फंसे 6 चरवाहों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। दरभंगा में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, सभी स्कूलों में छुट्टी। असम के बोंगाई गांव में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़, कई गांव पानी में डूब गए।
एमपी के खंडवा में बारिश ना होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने बारिश के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया। उधर राजस्थान के बूंदी में भी बारिश ना होने से लोग परेशान, लोगों ने बारिश के लिए पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया। अलीगढ़ में बारिश के बाद आंधी से दीवार गिरी, 3 लोगों की मौत। ई वाहनों पर कम हो सकता है जीएसटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आज की बैठक में फैसला संभव। नोएडा में सस्ते हो सकते हैं मकान, नोएडा अथॉरिटी ने सर्किल रेट घटाए। नए फैसले के तहत ग्रुप हाउसिंग में 6% और कमर्शियल में 25% सरचार्ज खत्म। देशभर में बच्चों के यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में आज से 30 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश। झारखंड के दुमका में कल सड़क हादसे में ऑटो चालक सहित 3 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 6 कांवड़िए घायल हो गए। ओडिशा के अंगुल में कोयला खदान में हादसा, 1 शव बरामद किया गया, 9 घायल अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हाथी को वन विभाग ने पकड़ा, तमिलनाडु से लाए गए दूसरे हाथी की मदद से पकड़ा। ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी प्रीति पटेल, 47 साल की प्रीति पटेल 2010 से लगातार सांसद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेतुके बयान के बाद G7 की बैठक में आमने सामने होंगे ट्रंप और मोदी, अगले महीने फ्रांस में है बैठक। पाकिस्तान में विपक्ष आज मनाएगा काला दिवस, पिछले साल आज के ही दिन प्रधानमंत्री चुने गए थे इमरान खान। नए प्रमुख की तलाश में आज होगी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक, पिछले हफ्ते अध्यक्ष युकिया अमानु का हुआ था निधन। आयरलैंड के खिलाफ विश्व कप विजेता इंग्लैंड लॉर्ड टेस्ट में 85 रन पर ही सिमटा, आयरलैंड ने पहली पारी में 207 रन बनाए। विश्व कप की हार पर बोले कप्तान कोहली, कहा बेहतर करो फिर भी हार जाओ तो स्वीकार करना मुश्किल होता है। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया के सिलेक्शन पर उठाए सवाल, पूछा शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे वनडे टीम में क्यों नहीं। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच की दौड़ में शामिल हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच हैं रोड्स। स्पिनर कुलदीप यादव का अपने विश्व कप प्रदर्शन पर बयान, कहा पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का विकेट लेना रहा सबसे यादगार। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शुएब अख्तर का मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद पर बड़ा बयान, कहा सरफराज फिट नहीं, हारिस सोहेल को वनडे और बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी करनी चाहिए। लसित मलिंगा के बाद श्रीलंका के गेंदबाज नुबान कुलासेकरा ने किया क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, 2017 में खेला था अपना आखिरी वनडे। लगातार दूसरी बार इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में विराट कोहली का नाम शुमार, एक पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमाने वालों की लिस्ट में 9वें नंबर पर। बीसीसीआई ने दी भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन को मान्यता, पूर्व भारतीय खिलाड़ियों के हितों की देखभाल करेगा यह संगठन। जापान ओपन से बाहर हुए बैडमिंटन स्टार किदंबी श्रीकांत, भारत के ही HS प्रणॉय ने हराया। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत भी पहुंचे जापान ओपन के दूसरे राउंड में, जापान के केंतो निशिमोटा को हराया। ২০২২ विश्व कप के पहले क्वालिफायर मैच से निलंबित हुए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, कोपा अमेरिका कप में चिली के खिलाफ मिला था रेड कार्ड।